मैं हूँ अभी धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में असम का, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से हाबुंग। तो चलिए देखते हैं हाबुंग और कुछ जानते हैं हाबुंग के बारे में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, क्योंकि उम्मीदों में ही दुनिया कायम है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वो क्यों रह जाना है फिर? तो कर दिया है लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो ये है धेमाजी टाउन। धेमाजी असम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो अपर असम में है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से हाबुंग। तो हाबुंग आप एक मंदिर कह सकते हैं, लेकिन ये मंदिर कुछ अलग है। तो ये क्या अलग है, देखते हैं और जानते हैं। एक्चुअली ये हाबुंग धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में ही है, जो यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर ही दूर में है। तो चलिए चलते हैं हाबुंग। तो ये मैं पहुंच गया हूँ फाइनली हाबुंग। जैसे मैंने पहले बताया था, हाबुंग कुछ अलग है। तो ये है कि ये जो हाबुंग मंदिर है, ये आहुम लोगों का है। आहुम्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। आहुम वो लोग है जो सन 1228 से लेकर 1826 तक असम में 600 साल राज किया था। आहुम राजकाल में आहुम और मुगलों के बीच कई लड़ाई लड़ा था, लेकिन कभी भी मुगलों को असम में राज करने नहीं दिया था। और ब्रिटिश आने के बाद आहुम साम्राज्य खत्म हो गया था। और आहुम भाषा का नाम ताई भाषा है। ताई भाषा में मंदिर को रेंग और पंडित या पुजारी को मुलुंग कहते हैं। और ये वीडियो का ब्रेकग्राउंड में जो गाना चल रहा है वो ताई भाषा में ही है। तो वापस चलते हैं आहुम। आहुम का पहला राजा चाउलुंग चुकाफा, जो साल 1253 में आहुम का राजधानी सरायदेव में बसने से पहले कुछ साल हाबुंग में बैठा था। और ये सरायदेव राजधानी चुकाफा जी ने ही बनाया था, लेकिन उनका पहला चॉइस हाबुंग था। और शायद यहाँ में बाढ़ आने का वजह से वो लोग हाबुंग छोड़कर सरायदेव चला गया था। तो अभी हाबुंग में वही पूजा होता है जो पहले राजा चुकाफा जी ने किया था। तो यही है हाबुंग। और भी बहुत कुछ है हाबुंग के बारे में जो मैं ये वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग को हाबुंग कैसा लगा है कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।